मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल और फूड फेस्टिवल का आयोजन कराया जा रहा है, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रहलाद कोड़े के निर्देश के बाद मसूरी माल रोड को सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पूर्णतया बंद कर दिया गया है। परंतु इमरजेंसी सेवा 108 और फायर सर्विस को भी इसमें जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। मसूरी में बुधवार को माल रोड पर लगे बोलार्ड मरीज पर भारी पौ गए, जब पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस से मरीज को माल रोड से होते हुए उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर परंतु पुलिस द्वारा झूला घर पर खड़े किए गए बोलार्ड को डाउन नहीं किया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस को करीब 7 किलोमीटर का सफर मरीज को उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में मरीज का डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोपहर में मसूरी गांधी चौक पर एक लड़का को मिर्गी का दौरा आने से वह सड़क पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी उपजिला चिकित्सालय ले जाना था। वही 108 एम्बुलेंस माल रोड से होते हुए झूला घर पहुंची, जहां पर बोलार्ड खड़े हुए थे। ऐसे में 108 एम्बुलेंस के चालक ने माल रोड में लगे बोलार्ड को खोलने के लिए मसूरी कोतवाल को फोन किया, परंतु उसका कहना था कि बोलार्ड को नहीं खोला जा सके और बोलार्ड की चाबी एसपी ट्रैफिक के पास है, वह 31 दिसंबर तक नहीं खुलेंगे। पुलिस की सब अमानिय कृत को देखते हुए लोगों पर भारी आक्रोश है। लोगों ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के लिए विंटर लाइन कार्निवाल जरूरी है, जबकि एक इंसान की जान की कीमत उसके लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर माल रोड में लगे बुलाट एम्बुलेंस के लिए खोल दिया जाता तो गंभीर हालत में मरीज को मात्र 10 मिनट में अस्पताल पहुँचाया जा सकता था, परंतु पुलिस की तुलगी फरमान के कारण मरीज को 1 किलोमीटर का सफर की जगह करीब 7 किलोमीटर का सफर तय करके गंभीर हालत में मरीज को अस्पताल पर जाना पड़ा। मसूरी जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर रितेंद्र सिंह ने बताया कि अगर मरीज को देर से लाया जाता तो शायद उसकी जान में बन जी। अभी एक पेशेंट आया है और 108 से आया है और उसके सर में चोट है काफ़ी, और इलाज शुरू हो गया है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कि टाइम से आना चाहिए, अगर थोड़ा डिले हो जाता तो दिक्कत और बढ़ सकती थी, मरीज को तकलीफ ज़्यादा होती। हमने सर अभी पेशेंट लिया वहीं झूला घर से, तो कोतवाल साहब ने हमें ये बोला कि अभी खुलेगा नहीं, इसकी जो रिमांड हो एसएसबी के पास है, हाँ, कि अभी 31 तक ही खुलेगा नहीं बैरिल। पर आपको काफी लंबा टर्न करना पड़ा, फिर वापसी लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी फिर इनको मैं एक्चुअली थोड़ा कमजोरी की वजह से ना, हाँ, इनकी गोली एक्चुअली खत्म हो गई थी और मिल रही नहीं थी, हाँ, हाँ, तो उनको उसके वजह से दौरे आ गए, हाँ, बस। तो आपको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया तो दिक्कत भी आई कि आपको माल रोड में ले गया फिर वापस लाए? हाँ, वहां से थोड़ा रिटर्न आके मैं दूसरे रास्ते